फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग वेल सो इस वीडियो में जो है हमने डिस्कस करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को तो प्रीवियस वीडियो में जो है हमने चैप्टर टू का इंट्रोडक्शन देखा था ठीक है इस वीडियो में हम देख रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ मटीरियल इन इंडस्ट्री हैव अ मिनिमम मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट मतलब मिनिमम मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट होती है फॉर एग्जाम्पल सर्टेन मटीरियल शुड बी सफिशेंटली स्ट्रॉग एंड टफ विद टू स्टैंड बाइटिंग और फोर्सेज विदाउट फ्रैक्चर ठीक है मतलब कुछ ऐसी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग और टफ़ होते हैं जो कि वैंड कर सकते हैं बाइटिंग फोर्सेस से ठीक है विदाउट फ्रैक्चर अदर शुड बी रिजट और कुछ जो है रिजट होते हैं जो कि मैंटेन करते हैं उनकी शेप ठीक है मतलब लोड भी अगर पड़ेगा अंडर लोड भी अगर होंगे लेकिन उनकी शेप मेंटेन रख सकेगा जो रिजट होंगे हमारे ठीक है रिजट इनफ टू मेंटेन देयर शेप अंडर लोड और जबकि एक स्ट्रांग और टफ होंगे कि वो बाइटिंग फोर्स को जो है बाइटिंग फोर्स ए, आ, के साथ स्टैंड कर सके सो ये सब है सच प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जनि करैक्टराइज बाय द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप अब ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रही हूँ रिजर स्ट्रांग टफ तो ये जो है ना स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से हम आपको जो है बताएँगे विच इज इटली ऑपटेन बाई यूजिंग अ टेस्टिंग मशीन ऑफ द टाइप शोन इन टू पॉइंट वन तो ये एक टेस्टिंग मशीन होती है ठीक है जिसमें जो है हम मटीरियल को रखते हैं और फिर उसमें जो है हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ठीक है तो वो अब पढ़ेंगे हम बिफोर कंसलिंग द वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट विच कैन बी कैरिड आउट एंड द रिलवेंस ऑफ द डेटा इज सेल्फ डिफाइन द टर्म्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सो स्ट्रेस को पढ़ते हैं स्ट्रेस बेसिकली क्या है वेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अपलाइड टू अ बॉडी और स्पेसिमन ऑफ अ मटीरियल अंडर टेस्ट इंटरनल फोर्स इक्वल इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज सेटअप इन दॉडी ठीक है कह रहे हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होती है बॉडी पे किसी स्पेसिमेंट पे अंडर टेस्ट मतलब टेस्ट के अंदर ठीक है तो एक इंटरनल फोर्स होती है जो कि इक्वल होती है और वो जो फोर्स लग रही है ना जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बाहर बाहर से मटेरियल पर या स्पेसिमेंट पे तो उसके जो है रिज़ल्ट में एक इंटरनल फोर्स क्रिएट होती है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है लेकिन क्या होता है अपोजिट इन डायरेक्शन होती है इस सेटअप इन बॉडी जो कि सेटअप होती है उस बॉडी के अंदर ठीक है ये जो टेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये जैसे कि ये जो है ना एक आ, टेस्टिंग मशीन है और यहाँ पे जो है हमने बॉडी रखी या स्पेसमिन रखा कोई भी ठीक है और हम जो है एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं तो ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं जो मटेरियल रखा है बीच में अब एक्सटर्नल फ़ोर्स देने से इसमें एक इंटरनल फोर्स जो है क्रिएट होती है जो कि अपोज़िट इन डायरेक्शन होती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड ठीक है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपट इन डायरेक्शन सो ये बताने की कोशिश की जा रही है इसमें तो पता नहीं ये एक्चुअली ये जो बार बार ब्लर हो रहा है क्या इशू है इसमें फॉर सिंपल कंप्रेशन और टेंशन द स्ट्रेस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन मतलब अगर हम कंप्रेशन और टेंशन की बात करें स्ट्रेस में तो मतलब एक एक्सप्रेशन देख लिया आप कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है uh, तो ये आप देख लें वेयर फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स है एंड ए जो है क्रॉस एक्शन एरिया है टू पॉइंट टू में आप देख सकते हैं ये टू पॉइंट टू मतलब अब ये टू पॉइंट टू अभी आपको समझ नहीं आएगी मैं आपको बाद में ये डायग्राम समझाऊँगी अ कंप्रेसिव फोर्स इज रेफर टू एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड अ टेंसाइल फोर्स टेंसाइल uh, स्ट्रेस तो ये क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेस रिजिस्टिंग अ कंप्रेसिव फोर्स ऐसी स्ट्रेस जो कि रिजिस्ट करती है कंप्रेसिव फोर्स को ना तो उसको हम कंप्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे ठीक है मतलब ऐसा ऐ, ऐसा स्ट्रेस जो कि किसको रिजिस्ट करती है जो कंप्रेसिव फोर्सेस है उसको ठीक है तो हम उसे कहेंगे कि उसमें क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस है और अगर ऐसा जो कि टेंसाइल फोर्स करती है तो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस आ, स्ट्रेस होगी ठीक है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग विथ शेयर अब शेयर कौन सी होती है देखें टेंसाइल जो होती है ना वो होती है और, मैं आपको यहाँ करके दिखा ना देखिए टेंसाइल में क्या होता है कि ये एक मटेरियल है और इसको यहाँ से फोर्स लग रही है यहाँ से फोर्स लग रही है ठीक है ये टेंसाइल में होती है ठीक है अपोजिट डायरेक्शन जबकि कंप्रेसिव में क्या होता है मटेरियल पे जो है इस तरह से फोर्स लग रही है कंप्रेस करते हैं ठीक है और शेयर में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो है ये जैसे कि ऊपर उप, नीचे जो है एक दूसरे के वो फोर्सेस लगती है ठीक है सो so, ये शेयर टे स्ट्रेस है इसके बारे में मजीद हम आगे पढ़ेंगे ठीक है एंड द थ्री सिंपल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस की थ्री सिंपल एग्जाम्पल है स्ट्रेस की फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल अदर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस पैटर्न द यूनिट ऑफ स्ट्रेस आपको याद पता होना चाहिए क्या यूनिट ऑफ स्ट्रेस पास कर दिस इज द स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग अपॉन अ वन स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस ये तो ऑलरेडी आपको बता चुंग फोर्स पर एरिया वे इज स्ट्रेस कैन बी विचुअलाइज एज अ प्योरली ठीक है मैं ज़रा इसको स्टैंड को सही कर दूँ वन आपको नज़र ही नहीं आएगा अच्छा ये ब्लर जो हो रहा है ये मैं बेड के ऊपर मैंने स्टैंड लिया हुआ है तो मैं जाहिर सी बात है हिल रही हूँ तो ये स्टैंड हिल हिल रहा है जिसकी वजह तो से मोबाइल का कैमरा हिल रहा है ठीक <laughs> है अब हम स्टैंड को नहीं छेड़ेंगे बुक को छेड़ेंगे तो मैं बता रही हूँ कि वी द टेंसाइल स्ट्रेस कैन भी विजुलाइज़ हम कर सकते हैं एज अ टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है कि ये प्योरली यूनी एक्सल स्ट्रेस है सेटअप विद इन अ मटीरियल जो कि सेटअप होता है मटीरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कंप्रेसिव फोर्स वेक्टर एक्ट एज ए इंट्रोड्यूस एलिमेंट ऑफ शेयर विद इन दिन कम्प्रेशन वन टेस्ट मैथड कॉमनली यूज फॉर डेंटल मटीरियल इस थ्री पॉइंट बैंडिंग टेस्ट अच्छा ये भी एक ट्रांसवर्स टेस्ट है या थ्री पॉइंट बैंडिंग टेस्ट कहले इसमें हम जो है क्या करते हैं मटीरियल uh, को रखते हैं और स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो अगर कहीं से उसमें क्रैक है तो वो वहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा ठीक है ये वाली डाइग्राम यहाँ पे हम मटेरियल्स दे सकते हैं वो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जहाँ से ये कहीं से भी क्रैक है तो ये फ्रैक्चर होने की चांसेस है इसको भी आगे डिटेल में दिया मतलब डिटेल में आपको बताऊँगी ठीक है इसे कहते हैं थ्री ए थ्री पॉइंट बेंडिंग टेस्ट है हमारा या ट्रांसवर्स टेस्ट जिसे कहते हैं ठीक है बैंडिंग ऑफ द बीम एंड इंट, इंट्रोड्यूस इंट, टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस तो हम कहाँ थे वैन वेन एक्सटर्नल फोर्स अपलाई टू द मिड पॉइंट ऑफ द टेस्ट बीम ये वही कि एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं है, uh, तो मिड पॉइंट ऑफ द टेस्ट बीम पे ठीक है द स्ट्रेस कैन बी रिजॉल्व तो स्ट्रेस जो है रिजॉल्व हो सकता है जैसे कि वो दिखाया हुआ है दिनोमिकल वैल्यू जो है ये नोमेरिकल वैल्यू मुझे नहीं मालूम कि ये इंपॉर्टेंट है याद रखना या नहीं सो वेर एल इज़ अ डिस्टेंस याद रख ली थ्री थ्री एफ एल अपॉन् टू बी डी इसका और एल क्या है डिस्टेंस है बिटवीन दी सपोर्ट बी जो है विर्थ है और डी जो है डेप्थ डेप्थ uh है तो ये स्ट्रेस को शो कर रहा है वे ना, और, मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक्सटर्नल फोर्स जो है इस तरह से लगती है इस मिड पॉइंट ऑफ उस पर ये जो ये डायग्राम आपको दिखाई ना ये इसकी बात कर रहे हैं सो so, ये इतना मतलब ये इतना कुछ खास नहीं है जहाँ पे मैं मतलब मैंने आपको समझाया है डेफिनेशन स्ट्रेस की ठीक है ये सारा इंट्रोडक्शन वो दिया हुआ है तो इसमें इतनी डिटेल है नहीं समझाने की जहाँ पे नहीं होती तो वहाँ पे मैं जस्ट रीडिंग करूँगी ठीक है कैन बी रिजॉल्वर वैल्यू है और ये एल जो है डिस्टेंस को शो कर रहा है बट बी और डी डेप्थ को वेर आ ऑफ अ ब्रिटल मटीरियल इसका कंप्रेस अक्रॉस अ एट मीटर टू पॉइंट फोर ए एक साइलेंडर uh, है ठीक है जो कि ब्रिटन मटेरियल क्या कर रहा है कंप्रेस कर रहा है अक्रॉस अ डायमीटर डाई से और स्ट्रेंथ स्ट्रेस uh, जो है सेटअप हो रहा है उस पेसीमेंट में द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस जो और ये वैल्यू किसकी ये वैल्यू दी थी वो थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट पेंडिंग टेस्ट की ठीक है ये ये वाली और ये दिए इसके ये वाले जो है ना ये अब इसमें ये ब्रिटल ये वाला जो है ब्रिटल मटेरियल है ठीक है और ये जो है डकटाइल uh, मटेरियल है तो ये देखें डायमीटर के अक्रॉस जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ है ठीक है तो ये यही बता रहे और इसका फार्मूला ये दिया हुआ है फिर डी ये है और टी ये है ये देख लीजिएगा दिस टाइप डाय मेट्रियल इस डायमेट्रियल कम्प्रेसिट्रें टेस्ट कहते हैं ठीक है डायमेट्रल कंप्रेसिव टेस्ट आप ये ऐसे करें ये टेस्ट याद रख लें इसका फॉर्मूला याद रख लें फिर ये टेस्ट से याद रख लें इसका फार्मूला याद रखें ठीक है वेयर और दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज रेफर टू एज कंप्रेसिव टेस्ट एंड कॉमनली कन्वेंशनल टेंसाइल टेस्टिंग इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट ड्यू टू द ब्रिटल नेचर ऑफ द टेस्ट मेटीरियल ये कह रहे हैं कि मतलब ये टेस्ट इसके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल uh, होता है क्योंकि इसमें एक तो ब्रिटल इन नेचर है ये ठीक है Uh, इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज रिफर टू इस कॉमनली इज इन कॉन्वेंशनल टेंसाइल टेस्टिंग ठीक है इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट ड्यू टू अव ब्रिटल नेचर बट डिफिकल्ट होता है कि इसको टेस्ट मटेरियल के लिए वो किया जाए फॉर नॉन ब्रिटल मटीरियल इज द इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट स्ट्रेस ब्रेक डाउन ड्यू टू द इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेस्टिंग मशीन तो ये टू पॉइंट फोर में कह रहे हैं कि मतलब ये नॉन ब्रिटल के लिए जो कि टाइल मटीरियल के लिए ये स्ट्रेस है ठीक है और आगे हमारे पास क्या है और ये जो आप देख रहे हैं ना ये ये वाली डायग्राम ये क्या हो रहा है ये स्ट्रेस के नतीजे में जो है ना स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ है चेंज इन लेंथ आप देख रहे हैं ये इस, इस, इसको ना आगे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है सो अब हमारे पास आता है फ्रैक्चर स्ट्रेस ठीक है इसमें देखें जो इम्पोर्टेंट था ना एक तो आपको ये टेस्ट पता होना चाहिए आ, स्ट्रेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए उसका फार्मूला पता होना चाहिए स्ट्रेस आ, के क्या हो स्ट्रेस क्या होती है जब एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाइड होती है तो उसके नतीजे में एक, इंट, एक इंटरनल फोर्स जो कि इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन होती है उसका फार्मूला पता होना चाहिए यूनिट पता होना चाहिए पास्कल ठीक है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है अच्छा और सेकेंड ये कि जो यहाँ पर दिया हुआ है ना हार्ट एंड साल स्ट्रेस क्या होता है कंप्रेसिव और शेयर स्ट्रेस यहाँ पे डिटेल यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया उनको जस्ट नेम मेंशन है आगे जो है इस, इसको डिफ़ाइन किया गया है ठीक है तो ये ये जो है ना ये थ्री आ, थ्री पॉइंट बेंडिंग टेस्ट का है ट्रांसवर वैक्टर का वो है ये नोमेरिकल वैल्यू है मतलब इससे जो है एक्सप्रेशन है उसका और ये जो है उसका है डायमेट्रल कंप्रेसिव टेस्ट क्या है ठीक है सो so, ये अगर और बाकी ये सब दिया गया कि ये वो है और ये सब और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है अच्छा फ्रैक्चर स्ट्रेस और स्ट्रेंथ क्या है दे इज अ लिमिट टू द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इसमें क्या होता है कि मतलब वैल्यू ऑफ अप्लाइडी और स्पेसिट ऑफ मटीरियल कैन विद्टैंड मतलब ये ऐसी लिमिट है वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स की विदी के साथ की जिसपे मटीरियल जो है विद्स्टैंड कर सके ठीक है द मैक्म मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉर्मली यूज टू करैक्टराइज द स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल फ्रैक्चर स्ट्रेस इज रेफर टू अर टेंसाइल स्ट ठीक है कि टेंसाइल टेस्ट में अगर हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो जो फ्रैक्चर स्ट्रेस होगा ना इज रेफर टू अर टेंसाइल स्ट्रेंथ वो उस स्ट्रेंथ को रिपीट करेगा ऑफ अटीरियल जबकि टेस्ट जो होगा वो वैल्यू देगा ठीक है द डायमेट्रल कम्प्रेसिव टेंट्रेस गि वैल्यू ऑफ टें तो ये जो डायमेट्रल कंप्रेसिटाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेस है ठीक है डायमेट्रिक कंप्रेसिव टेंसाइल टेस्ट जो है गिव अ वैल्यू ऑफ़ टेंसाइल स्ट्रेंथ की हमें क्या देती है ये डायमेट्रे जो हम कह रहे हैं कि ये टेंसाइल है तो ये मैं टेंसाइल टेस्ट उसकी वैल्यू देती है ठीक है जिस तरह से मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया था कि ये क्या करती है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की हमें वैल्यू बताती है इन दी इन द केस ऑफ बेंडिंग टेस्ट जबकि बेंडिंग टेस्ट में क्या होता है फ्रैक्चर इज नॉर्मली इनिशिएटेड फ्रॉम द साइड ऑफ द पैसेमेन विच इज़ इन टेंशन जबकि बेंडिंग टेस्ट में क्या था कि मैंने बताया था कि मतलब जो उस पैसेमेन ये जो मटीरियल हम रखेंगे ठीक है उसमें जहाँ से जो है फ्रैक्चर होगा नॉर्मली वहाँ पर क्या होगी कि टेंशन हो टेंशन डेवलप हो जाएगी जब एक्सटर्नल फोर्स उस पर जो है अप्लाई करेंगे द बेंडिंग स्ट्रेस इज अ फ्रैक्चर जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी ना एट फ्रैक्चर पे मतलब जो बेंडिंग एक बेंड स्ट्रेस लगाएगा उस फ्रैक्चर की जगह के उसे कहते हैं फ्लैक्जल स्ट्रेस इस क्लोज़ली रिलेटेड टू टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लोज़ली रिलेटेड है किससे टेंसाइल स्ट्रेंथ से ठीक है जैसे मैंने आपको आता ना कि इसकी डिटेल आगे आएगी जैसे कि इसमें बताया है कि यहाँ पे हम स्पेसिमेन या मटेरियल लिखेंगे और उस पर जो है फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो अगर इस मटेरियल पे कहीं से भी क्रैक होगा तो वहाँ पे वहाँ पे जो है या फ्रैक्चर होगा तो उस पर वहाँ पे टेंशन डेवलप होगी जिस वजह से जो है वो मतलब इसको फ्रैक्चर हो सकता है मत, उ, और उसे फ्लैक्श स्ट्रेस कहते हैं फॉर ब्रिटिल मटीरियल द फ्लैक्श स्ट्रेंथ कैन बी इंफ्लुंस बाई द प्रजेंस ऑफ अच्छा ये जो है ना ये कह रहे हैं कि फॉर ब्रिटेन मटीरियल द फ्लैक्स स्ट्रेंथ कैन बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाई द प्रेजेंस ऑफ सरफेस डिफेक्ट कि जो ब्रिटेन मटीरियल है ना वो बेसिकली जो उसकी जो, जो मतलब फ्लैगज स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह से किस किस के जरिए प्रेजेंस उसकी उस पर इंफ्लुएंस करती है बाई द प्रेजेंस सरफेस डिफेक्ट कोई भी सरफेस डिफेक्ट होता है उसमें या वाइट्स होते हैं या अदर इम्परफेक्शन इंप, होती है जिसके से जो है ब्रिटेन मटीरियल जो है वो स्ट्रेंथ ब्रिटेन मटेरियल के फ्रग्रेशन पर डालते हैं ठीक है विच में कॉज स्ट्रेस कंसन्ट्रेशन एट दिस सरफेस जिस जिसकी वजह से क्या होती है स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाती है उस सरफेस पे दी स्ट्रेस कंसंट्रेशन में कॉज मटेरियल मटीरियल टू फ्रैक्चर और ये जो स्ट्रेस कंसनट्रेशन होती है ये कॉज करती है मटीरियल टू फ्रैक्चर एट अ फोर्स लोअर देन डेट ऑफ मतलब ये जो अब मैं आपको बता रही हूँ ना कि ब्रिटेन में जो होते हैं वॉइडस की वजह से अदर इंपरफक्शन की वजह से सरफेस डिफेक्ट की वजह से जो है बिटल मटीरियल में जो है पे ये बिटल मटीरियल के फ्लगेशन पे ये असरअंदाज होते हैं तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है मटीरियल का टू टू फ्रैक्चर एट अ फ़ोर्स मतलब जो फ्रेक्चर कर देता है ठीक है किससे फ्रैक्चर एट अ फोर्स लोअर दैन डेट विच अदरवाइज बी एक्सपेक्टेड मतलब जिस फोर्स पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये उस पर फ्रैक्चर होगा वो उससे पहले ही हो जाता है ठीक है सो so, किस वजह से होता है इंप, परफेक्शन हो आ जाए कोई वॉइड्स आ जाए या सरफेस डिफेक्ट हो ठीक है जैसे कि अभी वो डेंचर बेस आपने पढ़ा नहीं है ना और उसकी एग्जाम्पल दे सकती थी डेंचर में जो हाई नॉच होते हैं ऊपर और नीचे तो अगर कोई डेंचर लगवाए और फिर वो जो है कोई भी ऐसी चीज़ उठो सॉलिड चीज़ को जो है दांतों में लेके और उसको खाने की कोशिश करें तोड़ने की कोशिश करें तो फिर क्या होता है वो जो नोच होता है ना उस पर जाहिर सी बात है वहाँ पर टेंशन डेवलप हो जाती है टेंशन की वजह से वहाँ पर क्रैक आ जाते हैं फिर वहाँ से फ्रैक्चर हो जाता है फिर जो है वो पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर आपने तो ये कहा था कि इतने साल चलेगा ये तो मेरा टूट ही गया है क्योंकि उसने उस, उस पर जो है फोर्स जो है अप्लाई की थी और वहाँ पे जो मतलब क्रैक आ गया था उसके खाने से और जब उसने कुछ भी वो उस पर लोड अप्लाइड किया तो वहाँ से वो क्रैक जो है प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो गया सो so ये इसकी एग्जाम्पल है अच्छा स्ट्रेंथ क्या होता है द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ बॉडी जो एप्लीकेशन होती है एक्सटर्नल फोर्स की टू अ तो बॉडी टेस्ट रिजल्ट इन द चेंज इन डायमेंशन ऑफ डेड बॉडी फॉर एग्जाम्पल वेन अ टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी जब टेंसाइल फोर्सेज जो है अप्लाइड होती है बॉडी में तो अंडर गो इन एक्सटेंशन ठीक है मैंने बताया था कि टेंसाइल फोर्सेस किस तरह से होती है मैंने आपको पीछे बताया भी था कि ये ये हमारा मटेरियल है और ये टेंसाइल फोर्सेस है ठीक है स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है यहाँ जहाँ तो इसमें खुद देखें खींच रहा है ना एक मटेरियल को तो इसमें क्या आ रही है एक्सटेंशन हो रही है ना एक्सटेंशन हो रही है कि फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल मेरा टेंसाइल फोर्सेस अपलाई टू द बॉडी हंडर वो एक्सटेंशन द मैगनीटूड विच डिपेंड्स अपॉन जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पर कि भाई आपने कितनी अप्लाइड की है फ़ोर्स ठीक ठीक है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पर कि भाई क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल है उसी की बेस पे जो है मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिपेंड करेगा यह आपको पता होना चाहिए जो मैगनी मैगनीट्यूड है ठीक है वो किस पे डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पर किसकी मैग्नीट्यूड मैगनी ट्यूड वेन टोर्स अप्लाइड द बॉडी एक्सटेंशन द मैग्नीट्यूड ऑफ विच के जो एक्सटेंशन की मिकदार है ना वो किस पे डिपेंड करेगी कितनी कि फोर्स फोर्स ज़्यादा तो एक्सटेंशन ज़्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ डेट प्र, मटीरियल मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है ठीक है आया वो इलास्टिक है नॉन इलास्टिक है ठीक है तो उस पर डिपेंड करेगा ये सारी डेल अभी हमने पढ़नी है तो स्ट्रेन बेसिकली होता क्या है चेंज इन लेंथ पर यूनिट औरिजिनल लेंथ ठीक है द स्ट्रेन विच हैज़ ए नो फिजिकल डायमेंशन कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं है कैन बी सीन एज अ मेजर ऑफ द फ्रैक्चर फ्रैक्चर चेंज ठीक है मतलब हम इसको मेजर कर सकते हैं फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ इन लेंथ कॉज बाय अप्लाइड फोर्स टू पॉइंट टू देखिये मैंने आपको बताया था ना कि इस आगे मतलब इतना डिटेल इसमें जो है हम आगे कि जब पढ़ेंगे तो बहा बार ये ट्राइग्राम को जो है रेफरेंस दिया जाएगा देन आपको स्लोली जो है समझ आएगा तो थर्ड स्ट्रेन विच हैज नो फिजिकल डायमेंशन कैन बी सीन आप देख सकते हैं द मेजर ऑफ फ्रैक्शन चेंज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ फ्रैक्शनल चेंज होता है मतलब जब कोई भी चेंज और उसके ओरिजिनल लेंथ से जब डिवाइड करते हैं तो उससे हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज आना ये तो शायद सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा हुआ है फ्रैक्शनल चेंज किसे कहते हैं और किस में आ रहा है लेंथ में आ रहा है मतलब उसकी जो चेंज आ रहा है लेंथ में जो ओरिजिनल थी उससे जब हम डिवाइड करते हैं और लेंथ की बात हो रही तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहेंगे ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं टू पॉइंट टू में जिसमें नहीं कहा था ना कि ये आपको अभी समझ नहीं आएगा देखिए ये स्ट्रेस अप्लाई हुई तो इसकी जो है ये ओरिजिनल थी ये कम हो गई लेंथ इस तरह से ये और ये ओरिजिनल थी अब ये ज़्यादा हो गई ठीक है तो ये कंप्रेशन हो रही है और ये एक्सटेंशन हो रही है तो ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी तो यहाँ पे ये स्ट्रेन कर ये टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है कैलकुलेट की गई है तो ये वही बात जो है कह रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं सो हम कहाँ पे थे

इसको जो है सो so यही कह रहे हैं कि वेन स्ट्रेंथ बिकम लार्ज अब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी तो डायमेंशन और टेस्ट पर सिमेंट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा कौन से डायरेक्शन में नाइन्टी में ठीक है अप्लाइड फोर्स के मतलब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा मतलब बहुत ज़्यादा चेंज इन लेंथ पर यूनिट ऑरिजिनल लेंथ होगा तो जो चेंज होगा वो मांग नाइन्टी डिग्री पे जाके वो होगा अप्लाइड फोर्स जो नाइन्टी डिग्री है उसके साथ होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आ सिलेंडर ऑफ मटेरियल में अंडर होगा बैरलिंग इन एडिशन टू यूनिवेक्सल कंप्रेशन ठीक है मतलब अगर हम कंप्रेस करेंगे देखें मैं अब वो अभी आपको ये कहाँ पे जो है करके दिखाऊँ स्पेस भी नहीं है यहाँ पे तो, देखें इसका जो है ना मैं यहाँ बता रही हूँ अभी मुझे उठना पड़ेगा कॉपी लेने के लिए यही बता देती हूँ देखें ये हमारे पास मटीरियल था ठीक है अभी हम इस, इसको जो है एक तो ये जो है पता नहीं क्या हो गया ये मटीरियल है और हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं ठीक है कम कंप्रेस ना एरो देखो एक दूसरे के मतलब ये कंप्रेस हो रहा है जब ये कंप्रेस होगा तो ये यूँ बन गया कंप्रेस होके होके जो है यूँ हो गया कम ये इसके नतीजे में कंप्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हमने तो ये यू बेरेलिंग हो गई ये देख रहे हैं इसका पेट निकल आया है ये बेस यू मटेरियल था अब इसकी जो है यू हो गया ये इसका पेट निकल आया तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे कि एक सिलेंडर है या ठीक है सिलेंडर कह कहले कि सिलेंडर था अब यहाँ से जो है बैरेलिंग हो गई है उसकी तो इन एडिशन यूनी एग्जल यूनी एग्जल मतलब एक ही उस एग्जल एक पे है यूनी एग्जल कंप्रेशन पे है जबकि स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टेंसाइल स्ट्रेस अगर ये हमारी कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस थे अप्लाई करने पर बैरलिंग हुई है जबकि टेंसाइल स्ट्रेस पे क्या होगी मैं बिकम थिनर को सेक्शन टू एक्सटेंशन अगर और जाहिर सी बात है टेंसाइल में क्या होगी एक्सटेंशन होगी जब एक्सटेंशन होगी तो क्या होगा वो थिन हो जाएगा ठीक है ये कंप्रेसर थी तो बैरलिंग हुई और एक्सटेंशन होगी तो थिन हो जाएगा किस तरह से ये मैं कहाँ दिखाऊँ जैसे कि जब कम आ, वो हुई जैसे ये टेंसाइल स्ट्रेस का ही बताया था ठीक है अब इसको जब ये यहाँ से जो है एक्सटेंशन uh, मिलेगी तो ये किस तरह से आ जाएगा पता है ये, ये इस तरह से आ जाएगा देखिए यहाँ से बिल्कुल थिन हो गया ये थिनर हो गया तो ये ही कह रहे हैं कि बिकम थिनर इन द क्रॉस द एक्सटेंशन अगर कर किस में टेंसाइल स्ट्रेस में इन ऑर्डर टू मॉनिटर द वे इन विच द स्ट्रेस चेंजेस विद दिस अल्ट्रेशन इन स्पेसिफि शेप मतलब शेप में तब्दील हो रही है वी नीड टू टेक अकाउंट अमाउंट ऑफ द पॉइजनस रेशो ऑफ द मटीरियल दिस गिव एन इंडिकेशन अच्छा पॉइजनस uh, रेशो जो है मतलब ये है कि अब हम आपको जो है सो so, हम कहाँ पे थे uh, ठीक है सो ये जो कह रहे हैं कि uh, हंड्रेशन स्पेशल शेप यू नीड टू टेक अमाउंट ऑफ रेशियो ऑफ द मटेरियल दिस गिव एन इंडिकेशन ये क्या देता है ये इंडिकेशन देता है ऑफ़ द रेशो ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेन अकरिंग एट नाइन्टी के स्ट्रेन अकर होता है एट नाइन्टी पे टू द डायरेक्शन ऑफ अपलाइड फोर्स मतलब जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी वो स्ट्रेन जो है उसी के साथ जो है उसी डायरेक्शन में नाइन्टी पे जो है अकर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ये जो है हमारा वो हो जाता है जैसे कि ये ये मैंने बताया है ना अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से लग रही थी और इसमें जो थिनर आया ये भी इसी डायरेक्शन में आया भी नाइन्टी का एंगल बन रहा है ठीक है अच्छा द स्ट्रेन में भी रिकवरेबल अब अब ये स्ट्रेन जो, जो है रिकवरेबल हो सकता है अगर इलास्टिक हो जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डेट इज़ द मटीरियल विल रिटर्न टू डरिजिनल लेंथ मतलब अगर इलास्टिक इन नेचर होगा आप उसको आ, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो दोबारा से ओरिजिनल लेंथ में चलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल लेंथ में जाएगा बिकॉज जो है वो एलिस्टिकलास्टिक इन, इन नेचर है आफ्टर रिमूव ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द मटीरियल में रिमेन डिफॉर्म वो रिमेन डिफॉर्म एंड द मटीरियल ये मतलब आफ्टर रिमोव में भी रिकवरेबल होगा अगर मटीरियल जो है ओरिजिनल लेंथ में आफ्टर रिमोल ऑफ द अप्लाइड फोर्स ठीक है अगर हम फोर्स अप्लाई फोर्सूव करने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में चला जाएगा इलास्टिक इन नेचर होगा और अगर वो मटेरियल डिफॉर्म होता है इसका मतलब ये है कि वो नॉन रिकवरेबल है ठीक है मतलब वो इलास्टिक नॉन अलास्टिक नहीं चल या थर्ड पॉसिबिलिटी इज डेट द स्ट्रेन में भी पार्शली रिकवरेबल और डेट द रिकवरी इज टाइम डिपेंडेड थर्ड होता है कि मतलब वो रिकवरेबल तो होता है लेकिन पार्शली होता है और क्यूं? क्यों क्योंकि वो रिकवरी जो होती है टाइम डिपेंडेंट होती है जैसे कि बड़े बड़े जो हेरबैंड लड़कियां पहनती है जिनके बहुत घने बाल होते हैं तो वो एक टाइम तक जो है वो बिल्कुल वो बैंड जो है ना उनके बाल टाइट करके रखता है लेकिन कुछ अरसे बाद क्या होता है कि वो बैंड जो है लूज़ अब वो जो बैंड था वो इलास्टिक इन नेचर की तरह था मतलब अब उसके उस लड़की के जितने भी बाल घने थे वो उसको खींच के जो है और दोबारा से टाइट कर देती थी, थी ना तो अब अगर बहुत आ, दो महीने तीन महीने गुजरने के बाद वो मसलसल वो यूज़ हो रहा है वो हेयर हेरबैंड तो क्या हो रहा है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ कर रहा है वो किस तरह से पता चलेगा अगर हम आ, वो लड़की दोबारा से अपने बालों में डालती है दो महीने तीन महीने बाद तो वो जो है इतना फिक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें जो है एक खिंचाव आ गया है एक एक्सटेंशन आ गई है और थोड़ी मतलब पार्शली रिकवरेबल होता है और पार्शली जो है नॉन रिकवरेबल होता है ठीक है तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट होती है जो थर्ड वाला है हमारे पास द एक्सटेंस ऑफ रिकवरी एंड द रेट ऑफ रिकवरी इज़ अ फंक्शन ऑफ़ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल जो ये फंक्शन एक्सटेंट है ना रिकवरी का और द रेट ऑफ रिकवरी ये हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल का जो है फंक्शन है सो so, यहाँ पे जो है हम एंड करते हैं हमने जो है स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की और जो इम्पोर्टेंट बात ही थी वो भी मैंने आपको साथ साथ बताई ठीक है अच्छा और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या होता है सो so, तब तक के लिए ला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का पढ़ेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में खास कर याद रखिएगा ओके okay, अल्लाह हाफिज़